किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मेरा ये मेन मसला ये था, हमारा बोलने वाला कोई नहीं। मैंने 4 साल से इंसाफ के लिए ये सब कुछ किया कि कोई हमारा साथ दे दे। हमारी वालदा के इंतकाल के बाद हमें किसी ने नहीं पूछा है। मेरा नाम किरण है और मेरे अब्बू का नाम अब्दुल सत्तार नियाज़ी है और मेरी अम्मी का नाम नूर बानो है। मेरी अम्मी का इंतकाल सन 2009 में हो गया था और मेरी अम्मी ने हमें मतलब अब्बू की मतलब जैसे पहले डिवोर्स हुआ है मेरे अब्बू के साथ, तो डिवोर्स की वजह से हमारी अम्मी ने, क्योंकि उनका कोई घर में जैसे बड़ा नहीं था, हमें पढ़ाने के लिए हमें हॉस्टल में एडमिशन कर दिया था। सन 2002 में जैसे हमारा एडमिशन हुआ था उस हॉस्टल की स्टार्टिंग में, और हॉस्टल का नाम था FGA हॉस्टल। तो हम उस हॉस्टल में पढ़ने के लिए मतलब हमें मैं 3 साल की थी, मतलब 3 साल की मेरी उम्र थी, और मेरे साथ मेरी बहन मीना भी हॉस्टल में गई थी। हम हॉस्टल ख्वाजा गोट में है, ख्वाजा गोट सुल्तानाबाद नंबर 2 में। हैदराबाद नहीं, ख्वाजा गोट में ही है, मीरपुर और टंडोलियार के बीच में ही है। हम इस हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए थे, मतलब हमारी अम्मी का फिर सन 2009 में इंतकाल हो गया था। फिर हम अपने 2 छोटे बहन भाई थे, वो भी हम उस हॉस्टल में ही ले कर चले गए थे। और जब हम उस हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए थे, हमें पढ़ाई वगैरह की कोई मतलब सहूलत नहीं दी जाती थी, बल्कि उस हॉस्टल में सिर्फ काम होता था हमारे साथ, और मतलब हर किस्म की ज़्यादती वहाँ पर की जाती थी। हालांकि जबकि हम मतलब हॉस्टल में होते थे, हर काम करते थे। मैं आंटी के मैडम शीन फराज उस हॉस्टल की इंचार्ज थी और उबैद फराज उस हॉस्टल का मतलब चेयरमैन था। तो जब ये दोनों मियाँ बीवी थे, और इसके शौहर के मतलब अपनी बीवी के साथ कोई सही ताल्लुकात नहीं थे, और उसकी बीवी अपने शौहर की कोई बात अगर नहीं मानती थी तो उसकी बीवी को खुद बोलता था कि जाके तुम मेरे लिए लड़की लेके आओ हॉस्टल की, और ख़ुद रात के 2-2.5 बजे के करीब आता था और हॉस्टल के कमरों में चक्कर लगाता था उबैद फराज, और हर लड़कियों के साथ गलत छेड़खानी करके चला जाता था। और जब बोलता था कि लड़की मुझे ये वाली चाहिए और उसे लेके आओ, तो मैडम उस लड़की को किसी बहाने से अपने घर के काम के बुलाती थी, घर के कामों के लिए बुलाती थी। उसकी अगर उसकी कोई बात नहीं माने तो वो सिर्फ धमकी देती थी कि तुम्हें हॉस्टल से, लड़की अगर किसी काम से मना करती थी तो कहती थी तुम्हें निकाल दूंगी, तुम्हें स्कूल के सर्टिफिकेट नहीं दूंगी। इस चीज़ की मतलब गलतफहमी मतलब शिकार करती थी, तो हम सहम जाते थे, हम नहीं जाते थे। हम फिर हमें मजबूरन जाना पड़ता था, क्योंकि हमारा कोई वहाँ बोलने वाला नहीं था। वालदा अब्बू हमें पूछते नहीं थे, क्योंकि अब्बू की दूसरी शादी हो गई थी। तो हमें फिर वहाँ मजबूरी रहना पड़ रहा था, क्योंकि हमें कोई पूछने नहीं आता था हॉस्टल में। हम 3 बहनें वहाँ पर हॉस्टल में, मतलब 6 बहन भाई तकरीबन हॉस्टल में ही रह रहे थे। तो मैडम शीरिन जब आती थी और मुझे बुलाती थी कि तुम किरण हमारे साथ कब से रह रही हो, तो हमारे मतलब जो भी हम आपको काम बोलते हैं, तुम सब बहन भाइयों का मैं मतलब हम ख्याल रख रहे हैं, तुम्हारा सारा सपोर्ट हम कर रहे हैं, तो तुम मेरी बात मानोगी। मैंने कहा कौन सी मैडम? मैडम शीरिन फराज ने बोला मेरे शौहर के साथ सोओगी तुम। तो मैंने बोला मैडम मैं मतलब ऐसा काम नहीं कर, जो आप मतलब मैं आपको पेरेंट्स की तरह मानती हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो फिर मैं नहीं बात मानती थी, ये लोग उबैद फराज मुझे अपने साथ लेके गया है, वहाँ पर लाहौर लेके गया है, लाहौर बाइबल कॉलेज में उसका ऑफिस था, उस ऑफिस में इसने मेरे साथ ज्यादती की है। कब की बात है, पहली दफ़ा जब आपको लेके गया वहाँ ज्यादती की, कब की बात है? ये पहली दफ़ा की सन 2012 की बात है ये। अच्छा। और वहाँ पर सादकाबाद में इनका घर है अपना, ये वहाँ लड़कियों को काम के बहाने लेके जाते थे अपने घर की सफाइयों के लिए, तो वहाँ पर लड़कियों को लेके जाके अपने साथ गलत काम करता था, उन लड़कियों के साथ ज्यादती करता था। ये जब आपके साथ बच्चे थे ज्यादती की ऑफिस में, तो आपने उस वक्त ऑफिस में कोई और नहीं था उस एरिया में, दफ्तर में? मतलब उस ऑफिस के हेड मतलब बड़े मतलब वहाँ पे वही होते थे, तो वहाँ पर जब मतलब उस टाइमिंग जब की थी ये बात, तो किसी ऊपर घर जैसे बना हुआ था, उस घर में मुझे भेज दिया गया था, उस घर से फिर नीचे उतरने नहीं देते थे, बस घर में ही मतलब जैसे बंद करके रखा हुआ था मुझे। उस घर में कोई और नहीं था? नहीं, उस घर से सिर्फ गाड़ी में डाला और फिर यहाँ हॉस्टल में छोड़ दिया था। तो कितने दिन रखा वहाँ लाहौर में? कितने दिन में? तकरीबन 3-4 दिन उस घर लाहौर के
घर में रही थी। तो उस 3-4 दिन मुसलसल जाती वो करता रहा। जी। तो आपने उसको रोका नहीं? अगर रोका तो उसका क्या रद्द अमल था, वो क्या बोलता था? मुझे मारा था और मुझे मतलब यही धमकी बार बार दी जा रही थी, तुम्हें तुम्हारे बहन भाइयों का ये वो। फिर जब मैं हॉस्टल में आई, मैंने बोला मैडम आपके शौहर ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तो मैंने मतलब बोला था कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें नहीं रहना है यहाँ वगैरह। तो फिर मैडम शेरिन ने बोला, मेरी मतलब किसी ने भी नहीं सुनी थी, तो फिर मैं चुप खामोश हो गई थी। फिर जब उबैद वापस आया लाहौर से और FGA हॉस्टल में, तो उसने फिर दोबारा मुझे बुलाया मैडम ने अपने घर रात को, और रात को फिर मुझे अपने घर के मतलब उनके कमरे में बेडरूम में मुझे अपने मतलब बुला के मुझे उस कमरे में डाल के बाहर से कमरा बंद कर दिया था। और उस कमरे में जैसे गुल्लू भी था और उबैद फराज भी था, दो लोग थे। उस हॉस्टल का ड्राइवर था। दोनों ने नहीं, उसने उबैद फराज ने की थी। गुल्लू नहीं था उसमें मिला? मतलब गुल्लू ने जैसे हाथ वगैरह पकड़े हुए थे, तो फिर उबैद फराज ने ज्यादती की थी। शराब वगैरह पी? नहीं, शराब वगैरह का तो नहीं मुझे पता, पर उन्होंने ज्यादती की थी। ये 2012 में आपकी उम्र कितनी थी? मैं तो तकरीबन जैसे मतलब 2000 मैं जैसे छोटी सी थी तब से इस हॉस्टल में गई थी, मतलब 4 साल की थी। 4 और मैं, हम 3 बहनें जैसे हम गए थे तो उस हॉस्टल में हम आप अभी आपकी कितनी उम्र? अभी मैं 20 साल की। तो 20 साल की, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि आप 16 साल मानोगे? जी, ठीक है। तो फिर उसके बाद 2012 के बाद फिर मुसलसल ये काम करता रहा, किसी तरह मदद करता रहा? नहीं, उसके फौरन बाद जैसे मैंने साल गुजर गया था, मैंने जैसे अपने नॉर्वे की जब टीम आई, मैंने जैसे बरकत वालों को बुलाया था, मामी जेबू वालों को, उन सबको ये बात बताई थी। किसको बुलाया था? बरकत वहाँ का जो माली है। हाँ। उनको ये बात जैसे उनको पता थी, उन्होंने ही जैसे नॉर्वे टीम वालों को इन्फॉर्म किया था। तो फिर वो लोग यहाँ आए थे, उनसे मैंने अपनी ये दरख्वास्त ये बात हर जाहिर की थी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा हम आपके साथ हुई भी ज्यादती के बारे में आवाज़ उठाएंगे। तो फिर जब उन्होंने मेरे बारे में मेरी रिकॉर्डिंग करके मेरे दे के आए FGA बाइबल कॉलेज में, तो लियाकत कैसर ने उस रिकॉर्डिंग को सुन के अनसुना किया, और मतलब कोई एक्शन नहीं उठाया गया, और फिर हमारे साथ ये केस का सिलसिला जारी रहा। तो जब आपने ये जो नॉर्वे की टीम जो आई जो फंडिंग करती थी, जब आपने इसको बताया और फिर ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद उनका क्या रद्द अमल था, रिएक्शन क्या था उसका? हमें तो मतलब जब हमें उनको इस बात का पता चला कि हमने मतलब ये रिकॉर्डिंग दे दिए, तो हमें काफ़ी मारा पीटी की थी हम तीन, वेद और शीनी फराज और इनाम शाह और ये मतलब वहाँ पे जो वर्कर लोग थे आदमीजात, उनसे मतलब जैसे हमें कमरे में बंद कर दिया था। तो हमने फिर वहाँ से मतलब जैसे खिड़की खोल के हम वहाँ से भाग गए थे। हमने बोला हम मतलब हम नहीं रहेंगे अभी यहाँ पर। खिड़की खोल के भाग गए, कहाँ गए? मतलब जैसे हमें अभी हम जैसे खिड़की से बाहर निकले, तो हमने बोला हमें नहीं रहना। तो रात के जैसे 2-2:30 बज रहे थे, तो मैडम ने हॉस्टल का दरवाज़ा खोल के हमें बाहर निकाल दिया था। बाहर रोड पे निकाल? हाँ, मेन रोड पे निकाल दिया था। रात कैसे गुजारी? रात हमने गुजारी नहीं थी। फिर जैसे इनके जैसे नॉर्वे के वहाँ लोग थे, उन्होंने जैसे बरकत वाले, तो उन्होंने आके हमें जैसे इन्फॉर्म किया था, तो वो फिर हमें लेके हैदराबाद आ गए। कारितास वहाँ पर एक रिहाइश है, वहाँ पर उन्होंने हमें रखा था। फिर अगले दिन हम कोर्ट में गए थे, मेरी हैदराबाद की कोर्ट में गए। दरख्वास्त में मैंने अपना रेप केस दाखिल किया था। कोर्ट ने क्या फैसला दिया? अभी तक कोई फैसला नहीं आया, वो केस यहाँ ट्रांसफर हो गया है कराची में। ये कौन से सन में केस किया था? सन का तो अभी सन 2014 में हमने किया ये केस। 2014 में जी। तो वहाँ से कोर्ट से हुआ, तो फिर यहाँ कराची किस कोर्ट में केस आ गया? हाई कोर्ट, हमने तो यहाँ पे हाई कोर्ट में ही किया है। और उस वहाँ को कोई फैसला हुआ था? वहाँ कोई फैसला नहीं हुआ है। तो फिर आपने खुद यहाँ ट्रांसफर जी मैंने, क्योंकि वहाँ के कोर्ट में या वहाँ की मतलब मुझे कोई मतलब
मुझे जहाँ से इंसाफ ही नहीं मिल रहा था, तो मैं 3 साल तक जैसे कोर्टों में जाती रही हूँ, 3 साल तक मैं आवाज़ बोलती रही हूँ, किसी ने मेरी कुछ मदद नहीं की, अभी तक कोई सुनाई नहीं दी है। यहाँ पे केस आया है, यहाँ पे केस शीशन में चला है, शीशन से मतलब कोई, अब एक मेडिकल जब हुआ हुआ है, आपने मेडिकल की कॉपी ही नहीं जमा करी, तो केस का उस केस का फैसला कैसे दे सकते। मेडिकल किसने करवाया था? मेरा मेडिकल कोर्ट के थ्रू हुआ है। कौन, कहाँ से हुआ था मेडिकल? टंडोलियार वाली कोर्ट के थ्रू हुआ है। नहीं, कौन सा हॉस्पिटल? सिविल अस्पताल में हुआ है जी? सिविल हॉस्पिटल में हुआ, टंडोलियार वाली। अच्छा, तो उसकी रिपोर्ट की कॉपी आपको मिली थी? मुझे इस रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी थी, क्योंकि मैंने डॉक्टर ने शायद ये कहा था कि ये कोर्ट में जमा होगी डायरेक्ट। कोर्ट से कॉपी ली आपके वकील ने या आपने? ये वकील के पास है। वकील के पास जी है। तो आपने वकील से कभी कॉपी मांगी? मैं, मुझे मतलब पता है कि मेरी कॉपी है, मैंने पढ़ी है, अपनी कॉपी देखी है मैंने, तो मुझे उन्होंने दिखाई थी कि बेटा ये आपकी मेडिकल कॉपी है, तो मतलब अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। कॉपी की उस मेडिकल में क्या ये साबित हुआ कि जाती हुई? जी। अच्छा, तो ये मतलब 2012 में आपके साथ पैदल पर जाती हुई और 2014 में आप लोग वहाँ से निकल आए, यानी कि 2-3 साल आप जाती का निशाना बनते हैं। तो ये 2-3 साल में क्या हॉस्टल के लोग ही थे या बाहर के लोग भी आते रहते थे? मैडम जैसे उबैद फराज लाहौर चले जाते थे, तो मैडम खुद भी मतलब आदमियों को बुलाती थी, आदमियों से पैसे लेती थी, लड़कियों का मतलब उसमें इस्तेमाल करने का मतलब जरिया बनाती थी, जैसे एक किस्म का उन्होंने बिजनेस खोला हुआ था। तो ये सर आपकी निशाना बनती थी? नहीं, हॉस्टल की काफ़ी तमाम लड़कियों के साथ ऐसा किया है, मेरे से सीनियर जितनी रह चुकी हैं उनके साथ मतलब इसके शोर ने भी काफ़ी ज़्यादती की है, और उसके बाहर के आने जाने वाले आदमियों को भी वो देती थी। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, जैसे मैं आपको उनके नाम भी बता देती हूँ, नोमी थी और नादरा थी, ये इस किस्म की लड़कियाँ थी, सुनीता अकरम थी, मतलब इन सारी लड़कियों, नसीब थी, ये सारी लड़कियाँ थी, शमीम थी, इन सारी लड़कियों का मैं बता रही हूँ कि इनके शौहर के होते हुए भी मतलब इसके शौहर ने ज़्यादती की है, आज वो लड़कियाँ अगर शादीशुदा हैं तो डिवोर्स हुए हैं, किसी के कोई घर में खुश नहीं है इस शौहर की वजह से। मैडम शीरीन फराज के शौहर जी जी नसीब के साथ हो चुकी है, क्योंकि नसीब हमारे उस हॉस्टल में रहती थी, उसके अब्बू इस हॉस्टल के पहले ड्राइवर थे, तो उनके साथ, उनकी बेटियों के साथ, दोनों बेटियों के साथ इसने ज्यादती की थी। नसीब ड्राइवर वहीं पे होता था तब भी जाती होगी? नहीं, नसीब लड़की का नाम था। अच्छा, सॉरी, फिलिप नाम था उसके अब्बू का। अच्छा, फिलिप जी। तो उसका अब्बू वहां काम करते थे जी। मेरी नाम की लड़की भी जैसे हॉस्टल के लास्ट में रहती, अभी हमें निकाल दिया था, तो मेरी को यूज़ करता था, तो मेरी के साथ मसलसल ज़्यादती करता रहा है, और रिदा नाम की लड़की, पूनम नाम की लड़की, ये सब लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मेरा ये मेन मसला ये था, हमारा बोलने वाला कोई नहीं। मैंने 4 साल से इंसाफ के लिए ये सब कुछ किया कि कोई हमारा साथ दे दे। हमारी वालदा के इंतकाल के बाद हमें किसी ने नहीं पूछा है। आप हुकूमत से अपील करेंगे कि आपको कानूनी मदद प्रदान करें और मुजरिमों को पकड़े? मैंने बहुत सारे लोगों के दरवाजे खटखटाए, बहुत सारे लोगों के जगहों पे जाके मैंने ये फरियाद की है कि हमारी मदद करें, हमारे साथ ज्यादती हुई, पर अभी तक किसी ने हमारे लिए, कोई इंसाफ के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया है। मैं कोर्ट में 4 साल अकेली जलील होती हूँ। मेरी उम्र की क्या लड़कियाँ कोर्टों में जाती हैं, उनकी ये ज़िंदगी होती है। मेरे छोटे छोटे बहन भाई मैंने कोर्ट में की है, मैंने हर जगह की है।
अदारों में भी जाके मैंने किए, जो मतलब होते हैं हेल्प करने वाले वहाँ पर थे। चीफ जस्टिस से क्या अपील है? मेरी यही अपील है कि मुझे मेरे रेप केस की इंसाफ दें, उनको सज़ा मिले, और फोबी केस अभी चल रहा है, कोई इंसाफ की घड़ी नहीं आई है।